आज हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। जिस सबसे पहले तो हम हाफ कप ऐड करेंगे ऑयल। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट चाहिए। इसको हमने अब गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हमने चिकन को उबाइल कर लिया था थोड़ा सा नमक ऐड करके। अब इसमें चिकन ऐड कर दिया हमने। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लिया। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून डालनी है सोया सॉस एंड 2 टेबल स्पून ही आपने डालनी है चिली सॉस। अब इसमें हमने गाजर ऐड कर ली है जो हमने चॉप की हुई थी छोटी छोटी, और कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं बड़ी भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पे हमने बंद गोभी भी ऐड कर ली है। अब आपने लेमन ऐड कर लिया इसमें। लेमन आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, दो भी शामिल कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और लास्ट पे आपने अब क्या करना है, शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। और अब ये रेडी हो गई हैं सब्ज़ियाँ जो हमने चाइनीज़ राइस के लिए हमने सारा मटेरियल तैयार किया, ये सारा रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, चावल उबाल लेने हैं। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी चाहिए। उसमें
मैंने लिए थे दो 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 आई थिंक सो, दो कप ले लें आप चावल के, जितने आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप पानी डाल लें। मैंने इसमें 3 चम्मच नमक ऐड किया था और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था, और फिर दिन इसको उबाल आ जाए उसके बाद आपने चावल ऐड करने हैं जी। अब मेरे चावल इतने इतने रेडी हो गए हैं कि मैं इनको अब निकाल लूँगी छानी में। आपने चावलों को देख लेना पहले, वो अब मैंने इसमें ऑयल डाला सबसे पहले चावलों की लेयर ऐड होगी, देन उसके बाद जो हम लोगों ने मटेरियल तैयार किया था चाइनीज़ के लिए वो ऐड होगा। फिर चावल की लेयर ऐड होगी और फिर ऐसे मटेरियल जाएगा, जितने आपके चावल होंगे जितना मटेरियल होगा आपने उस हिसाब से लेयर्स लगाते जाना है। मेरी 3 लेयर्स बन रही हैं। अब लास्ट पे हमने इसमें इसके ऊपर डाल लिया था थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी चिली सॉस एंड थोड़ी सी सोया सॉस। अब फाइनली देखें कि मैं इसको मिक्स करने जा रही हूँ। इसको 5 मिनट आपने दम पे रख देना है, फिर फाइनली लुक देखें इसकी।